ने लोकसभा को 7 साल चलाया सत्य के साथ। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, सत्य से वो कौन सा संविधान था जिस संविधान की आत्मा को अहिंसा छिन्न विच्छिन्न करने का प्रतीक है, इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया। आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है, ये और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नफरत 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 प्रधानमंत्री के पद के ऊपर असत्य 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 एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में चलाए थे व्यवस्था आप संविधान में चिखाते हो। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, बहुत गंभीर है। इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। जो टोर है दुनिया का उसी टोर में बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो दिखा दिया मोदी जी ने जोर से बोल के पार्लियामेंट में। बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी जी की स्पीच थे उसके बाद खुश तो हो रहे थे अपोजिशन के लोग, लेकिन मुझे भी पता था और जो बीजेपी के सपोर्टर है और देशवासी जितने भी है भारत में सबको पता था कि मोदी जी का रिप्लाई आएगा ही आएगा और मोदी जी ने रिप्लाई दिया। अब यहाँ पे देखने जैसी चीज है, मोदी जी ने जो चीज कही बहुत ही लॉजिकल, अगर आप और मैं भी इस चीज पे बात करेंगे तो सहमत होंगे। हो सकता है आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करो या मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करूं। सबसे लॉजिकल चीज जो मोदी जी ने कही कि हम 240 सीट लाए और हमने सरकार बनाई एनडीए के साथ दूसरे दलों के साथ मिलके, टीडीपी जेडीयू बहुत सारे दल है एनडीए, वहीं पे जिसकी 99 सीट आई है कांग्रेस, वो सपने देख रही है सरकार बनाने की। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। अब यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है जो बात करता है सरकार बनाने की, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 240 सीट लाके अगर किसी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़े और 99-35 ऐसी सीटें लाके कोई पार्टी अगर सरकार में आ जाए तो हमको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। 1984 से कांग्रेस 250 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। 1984 उस चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। और बीजेपी तो अभी 240 ले आई और पिछली बार तो 300 से ऊपर लाई। 2014 और 2019 के बाद ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस ने 99 सीट जीती, वो कांग्रेस की तीसरी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की डूबती जो नस है उसको पकड़ लिया। अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें बहुत सारे मन मुताव रहे, टीएमसी है, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, फिर दूसरी आप देखो तो डीएमके है। ये सभी पार्टियों का मंत्रालय देना है, किसी को होम मिनिस्टर बनाना है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे या कोई अखिलेश यादव या ममता बनर्जी खुद आके कह दे कि मुझे बनाओ, तो फिर क्या करोगे। और अगर इंडिया गठबंधन ये सोचता है कि वहां से जेडीयू और टीडीपी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी याद रखे इंडिया गठबंधन की अपोजिशन में से भी कुछ पार्टियां वहां पे जा सकती है। जो भी आया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया में कहूंगा, जो भी चुन के आया है, जिसको हमने वोट किया है और जिसकी ज्यादा सीटें आई है, जिस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है, वही पार्टी रूलिंग पार्टी होनी चाहिए 5 साल के लिए। अगर पार्टियां चेंज होगी, मैं किसी भी यहाँ पे पर्सनली बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी की बात नहीं कर, ये वोटर्स के साथ एक विश्वासघात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वोटर ने क्या देख के वोट दिया? अगर कहीं पे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, हो सकता है वो कांग्रेस का सपोर्टर हो, लेकिन वो सीट पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, तो जो कांग्रेस का सपोर्टर था उसने भी किसको वोट डाला? समाजवादी पार्टी। अब यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी अपना पाला बदलती है तो किसके साथ विश्वासघात हुआ? वोटर के साथ ही हुआ ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। टीडीपी जेडीयू जो जीत के आई है वहाँ पे उनको बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर ने वोट किए, और इंडिया अलायंस में जो पार्टी
जीत के आई है। उनको वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस है और दूसरे विपक्षी दल है वो पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो हमको किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना। मोदी जी ने राहुल गांधी जी पे ये भी तंज कसा कि एक बालक को पूरी विपक्षी पार्टी और कांग्रेस खुश कर ली है, लेकिन सच तो यही है कि रूलिंग में तो बीजेपी है। अभी तो 5 साल बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसी निष्पक्ष खबरें लाता रहूंगा न्यूट्रल रह के। जय हिंद।